उसका पूरा सारा खून निकला, उसका पेशाब भी निकला है मेरे ख्याल में। उठ तो सही ना, तेरे घर वालों को मैं जवाब दूंगा, उठ बेटा। Assalamu alaikum everyone, welcome back to Babar Nasir Official. This is me Babar Sheikh, welcome back to another vlog. Yaar, I'm so sorry guys. इसलिए आजकल जो है वो कुछ घंटे लेट हो रहा है व्लॉग, उसकी वजूहत ही है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल यार, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप चिकनगुनिया से रिकवर करते हो ना, तो एक बड़ा गंदा सिनेरियो हो जाता है, वो सिनेरियो ये कि बॉडी पेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है यार। अब मेरी एक साइड वाला जो लेग है उसमें इतना दर्द हो गया है, मतलब जब व्हेन यू वोक अप इन द मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा पेन होता है यार। मतलब जो आगे कप लगा होता है ना, इसके अंदर घुटने के जो पीछे वाली जगह होती है वहाँ बहुत दर्द हो रहा है, और नीचे पैर का जो जोड़ है उसमें खुद इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है। खैर एनीवेज, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में सारे लोगों का खुशामदीद होगी। अच्छा, अम्मी कहती हैं गाइस कि जितनी भी तबीयत ख़राब हो, नौकर की नौकरी करनी तो है, तो सबसे बड़ी बात ये कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म जब आपका बन चुका है अच्छा, तो यू शुड कंटिन्यू। तो मैं यही चीज़ सोच के इसलिए रुकता नहीं हूँ, मैं बैक टू बैक डालता रहता हूँ व्लॉग्स वगैरह। कल मैंने रात में व्लॉग कंटिन्यू किया था गाइस, लेकिन आप यकीन करो इतनी ज़्यादा आंखों में सोजिश, इतनी ज़्यादा आंखों में जो सोजिश, कहना क्या चाहते हो, सोजिश हो रही थी आंखों के अंदर, और नाक में भी इतनी ज़्यादा, मतलब जाहिर है जब साइनोसाइटिस आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब होता है। होम्योपैथिक टैबलेट्स जो होती हैं वो लेके अभी शुरू की, अल्लाह का शुक्र है, तो वो मेरे बैग में रह गई थी यार, मुझे याद भी नहीं थी, तो साथ ही जो है मैंने वो शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है आज इतना स्टेबल हुआ कि मैं अभी जो है दोबारा से मैंने मतलब 12 घंटे या 15 घंटे बाद जो है वो व्लॉग कंटिन्यू किया गाइस। सो मच लेटर दैट द ओल्ड नरेटर गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड दे हैड टू हायर ए न्यू वन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के? कौन है ये लोग? आई होप यू आप लोग बेहतरीन होंगे, गुड होंगे। तो भाई आज है मेरी ईद का दिन, मैं उसका एडिटर हूँ, आप लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं होगा। आज मैं करने वाला हूँ उसके ऊपर एक प्रैंक। आप लोगों ने देखा होगा वो अपनी मदर के साथ प्रैंक करता है, आयशा बाजी के साथ प्रैंक करता है, सबके साथ करता है, वो सबके साथ प्रैंक करता है। आज मैं करूँगा उसके साथ प्रैंक, और इतना गंदा प्रैंक करूँगा, इतना गंदा प्रैंक करूँगा कि उसकी सोच होगी। आज मैं बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अभी मैं लगाऊंगा मोबाइल यहाँ पे और आप लोग के साथ प्रैंक देखना, आज मैं उसको पागल कर दूंगा, आप बस देखिएगा आज आप। भाई पहले मैं माजरत कर लूँ सबसे, मुझे ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं आती है, मैं बाबर को थोड़ा देख के कर लेता हूँ बस, क्योंकि अभी मुझे शर्म भी आ रही है बहुत, क्योंकि जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं कैमरा उठा रहा हूँ ऐसे। मैं ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, वो सब बाबर करता है, बस मेरा काम है एडिटिंग का, और कुछ भी नहीं है। तो भाई अभी मैं देखो ये सारा मेरा सेटअप है जो मैं काम वगैरह करता हूँ हर चीज़ ये, और आप लोग सोच रहे हो ये क्या चीज़ है। भाई ये मैं लाया था प्रैंक के लिए, मेरा कलर वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने इसका अंदर का जो वो होता है नोजल वो निकाला, पानी में डाला, लेकिन वो अलग ही कलर हो गया, देखो हाथों पे लगा हुआ है। तो अभी बाबर सिर्फ गया हुआ है नीचे ज़रा काम से, तो मैंने सोचा है कि वो गया हुआ है तो जब तक कि मैं अपना सेटअप एकदम रेडी कर दूँ, और सेटअप में ना मैंने सोचा है कि ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड को लूँ। क्या बोला तूने? निकल जा। हाँ निकल गया। स्टैंड को मैं लूँगा और इसको मैं छुपाऊँगा यहाँ पर, ताकि बाबर को पता भी ना चले, क्योंकि वो है बहुत तेज़, वो बंदों को प्रैंक करता है, उसको इस कमरे की हर एक डिटेल पता है कि मैं प्रैंक भी कर रहा हूँ ना, पहले तो वो समझेगा कि मैं प्रैंक ही कर रहा हूँ, पहले तो वो यही समझेगा, लेकिन मैं उसको चांस ही नहीं देने दूंगा कि ना उसको लगे कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मैं उसको छुपाऊंगा यहाँ से ताकि नजर ना आए, और कैमरे का हल्का सा रुका रहा होगा बस। मैं अपना ना गेटअप स्टडी कर रहा हूँ और स्टैंड पर लगा रहा हूँ कैमरा, फोकस कर रहा हूँ सही से। रुको एक मिनट, रुको, सेटअप हो गया ये, एक मिनट भाई। इस ब्लॉग के अंदर सबसे काम की चीज़ें ये जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन बहुत काम की चीज़ें, ये एक कलर, इसमें थोड़ा पानी वगैरह भी डाल दिया मैंने, लेकिन असल मज़ा तो इससे ही आएगा ना, उंगली गंदी हो जाएगी मेरी। तो भाई अभी मैं हाथ वगैरह धो के आ गया हूँ, बस अब मैं कैमरा उठा रहा हूँ सही है, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। ओए ओए भाई कैमरा सिनेमेटिक्स होता है, मैंने अल्ट्रा वाइड पर कर लिया अभी, और अब देखते हैं। अभी बैठा हुआ यहाँ पे, बाबा भाई जब भी आते हैं ना तो दरवाजे को ऐसा मारते हैं जैसे पराया दरवाज़ा, इतनी ज़ोर से मारते हैं मुझे पता चल जाएगा वहाँ। मैं काम करते करते ही बल्कि ये काम करता हूँ, काम करते करते बेहोश नहीं होता हूँ, पहले बेहोश हो जाता हूँ, ताकि सामने बेहोश होगा ना तो ऐसा लगेगा एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अब मैंने सोचा कल सूझ जाएगा तो मसला हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो मैं रख रहा हूँ अभी और बस लेटने की तैयारी कर रहा हूँ।
तो रुको जरा, सबर करो। यार जो मेरा बंदा नहीं आता एडिटर जो है, उसको पूरा सारा खून निकला है, उसका पेशाब भी निकला है मेरे ख्याल में। एक मिनट में कॉल बैक करता हूँ। पता नहीं नातिक 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 नातिक। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार। ना आप तो खोल। अरे नातिक 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 भाई आज तो मार पिटेगी कन्फर्म। क्या बात ये बात है। एक बार उठ तो सही। लेटने का नहीं है नाते, उठने का है। नाते उठने का है, उठने का है। उठ के तो बैठ, उठ के बैठ, उठ के बैठ, उठ के बैठ। मैं दो मिनट रुक खाली, मैं पानी लेके आ रहा था तेरे लिए। क्या तेरा मुंह लगाए कहीं पे, क्या किया तूने, उछला है क्या किया बता। हाँ मैं पानी लेके आ रहा था तेरे लिए, दो मिनट रुक जाओ। सैलरी नहीं बढ़ा रहे। ओह नो सैलरी नहीं बढ़ा रहा। कुत्ते खड़ा क्या कर रहा है तू ये। खड़ा हुआ तुझे मार दूंगा मैं। माफ कर दो माफ कर दो आज मेरे पूरे रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो गए यार। क्या झालत है यार ये। और भाई बार बार आने के बाद नहीं करूंगा कभी। इधर आजा खुद ही आजा, शराफत से आजा, शराफत से आजा। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, मतलब मारे बगैर मेरे चैन नहीं मिलेगा। ये क्या है, क्या कलर है ये? हां ये पता नहीं झाल झालत। तेरे को मैंने बोला तबीयत मेरी सही नहीं है यार वैसे। अरे तो तुम ही तो लोगों से प्रैंक करते हो। दिल बाहर आ गया यार, इतना खतरनाक प्रैंक करते हो। हां खतरनाक है, इतना सा तो फोन है मेरा।
टाइम देख, रात के 2 बजे तू अपना काम कर। तो तू मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, मैं क्या करूँ? सैलरी मैं तेरे को मारूंगा बहुत जहर। तेरा पीछे देख लैपटॉप है। तो भाई तुम्हारी ऑडियंस में से प्रैंक मांग रही थी, मेरी क्या गलती है? किधर लगाया तूने मनोज ये? एक मिनट। आर यू कॉमेडी मी? बाहर भाई मजाक कर रहा था ना, क्या हो गया? नहीं तो देर उठा के चप्पल। पैसे तो नहीं मारोगे? देर उठा के चप्पल, मिसर बहुत बुरी हुई है, मैं मार दूंगा तेरे को जान से। दे 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 पूरा काप रहा हूँ लिटरली। तो तुम दिया करो ना, 2 दिन बाद व्लॉग दे रहे हो ना, प्रैंक कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, इतने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, देखो जरा। मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बीमार हूं। तो मेरे पास आ रहे हैं ना कमेंट्स लोगों के, ये बाबर से ज्यादा हो रहा है यार। तो मेरी क्या गलती है? अच्छा मेरी सैलरी बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे बताओ। नीचे से चश्मा उठा ले अपना, वरना अल्लाह से मर जाए सलील ना हो तो। ओए होए, अब कैमरा निकालते हैं, इधर दिखा कैमरा निकालते हैं। यार क्या जहालत है यार, मतलब कौन सा तरीके का आ रही है, इतना खतरनाक हरकत, कौन सी हरकत है ये? मैंने अभी तुम लोगों को बताया, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। आप यकीन करो मैं पूरा शिवरिंग कर रही है मेरी बॉडी, इस तरीके से खून वून लगा के क्या कोई एक्टिंग होती है यार? हद होती है अल्लाह की कसम, मेरे पूरे हाथ कांप रहे हैं, यकीन कर तू। ये तो देखो कैसा वीआईपी खून है। बेटा तू बच जा मेरे से, तू बच जा। गाइस आप लोग इसको जानते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं पूरा व्लॉग बना लिया तूने इतनी जल्दी में, अभी 10 मिनट हुए। मेरी बात सुनो, आपकी जो ऑडियंस है ना आपसे बहुत नाराज है। मेरे पास अभी भी कमेंट्स पड़े हैं, सही है, बोला है बाबर व्लॉग क्यों नहीं बना रहा मुझे बताओ। गाइस ये इतना ये सिर्फ आता है, आप यकीन करो मेरे दोस्त यार भी बैठे हुए होते हैं, तो ये कोने में बैठ के अपना काम कर रहा होता है, ये उन लोगों से मुखातिब नहीं होता, इसका दिमाग देख रहा है अभी कहाँ से आया तेरा दिमाग? मेरे को असल में ना एक बंदा था जो मेरे को कब से ना रेगुलर 3-4 दिन मैसेज कर रहा है, बाबर के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, 2 दिन हो गए व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, इतने वो ना प्रैंक्स आ रहे हैं, प्रैंक्स करने। मैंने बोला यार तो याद है गाइस मेरी बहुत बुरी हालत हुई है, ये बहुत घटिया प्रैंक था ये। ये पता है कौन सा प्रैंक है? आज से 3 महीने पहले याद है आपने मेरे साथ प्रैंक करा था, हीरो को आपने मेरे पर छोड़ा था। वो प्रैंक नहीं था, हीरो तेरे पे खुद ही भौंका था, मैंने खुद ही नहीं छोड़ा था। वो नहीं बोलता मेरे को, जैसा आप नहीं बोलते हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यार मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई, मेरा गला वाला सारा ठीक हो गया बिल्कुल। इम्पोर्टेंट में फोन पर बात करते हुए आया हूँ गाइस, और आप सीन मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा गाइस। तो भाई जिस जिसने बाबर नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ ना, बहुत ख्याल रखना, लव यू ऑल, लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़। नातिक जो तुमने ये की है ना हरकत, इसका तुम्हें जो है ना वो करना पड़ेगा, निकल आओ बाथरूम से बाहर।